हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रेरणा व्लॉग पर। और अभी सुबह का टाइम है, नहा धो ली हूँ मैं, क्योंकि आज बच्चों को तो कहीं जाना नहीं था, स्कूल नहीं जाना था, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम हो गया और कोर्स पूरा हो चुका है, तो एक दो दिन के बीच में छुट्टी लगा लेते हैं बच्चे, तो आज दोनों ने ही छुट्टी लगा ली थी। तो फिर बस मैंने सोचा कि चलो जल्दी से अपना नहा धो के सबसे पहले उसके बाद ही सारा काम करते हैं। तो उसी के बाद में पहले मैं सबसे पहले झाड़ू लगा रही हूँ नहाने धोने के बाद में। तो सबसे पहले मैं नहा ली थी, तो नहा धो के और उसके बाद में ही अपना सारा काम स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले बस मैं झाड़ू लगा रही हूँ और झाड़ू लगाने के बाद मैं अपने काम में लगूँगी। और बच्चे भी अपने काम कर रहे हैं, वो भी अपना अपना रूम साफ़ कर रहे हैं। आज बोले कि मम्मी हम साफ़ कर देते हैं अपना रूम, तो मैं कहा चलो जल्दी से कर ले, अपना रूम भी कर लो और हम भी अपना काम कर लेते हैं। तो बस अभी बच्चे अपना रूम साफ़ कर रहे हैं और मैं अपने काम में लगी हूँ, क्योंकि फिर बाद में नाश्ता पानी भी बनाऊँगी। अभी कुछ नहीं बना है, अभी बस सीधा झाड़ू वाड़ू लगा के बस अभी पूजा मैंने पहले ही कर ली थी, क्योंकि वहाँ पे भगवान जी के पास से मैं झाड़ू पोछा पहले ही लगा के वहाँ पर पूजा कर लेती हूँ। तो बस अभी मैंने झाड़ू लगा ली है और बस झाड़ू लगाने के बाद में अब सीधा बच्चे अपने काम कर रहे हैं। देखिए बच्चे अपने रूम को बिल्कुल साफ़ कर रहे हैं, कह रहे थे कि मम्मी गंदा सा हो रहा है रूम, तो हम साफ़ कर लेते हैं, आज हमारी छुट्टी है। तो हमने कहा चलो भाई कर लो जल्दी से, अच्छा है मेरा भी थोड़ा सा काम, मेरे भी काम में हेल्प मिल जाएगी। तो दोनों बच्चे अपने अपने बेड को साफ़ कर रहे हैं और मेज़ वगैरह साफ़ करेंगे, तो बच्चे मतलब दोनों के दोनों मिलकर ही काम कर रहे हैं। तो दोनों ने मिलकर ही सारा कमरा साफ़ कर दिया है, और कभी कभी कर देते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं भी करते, कभी कभी कर भी देते हैं, बहुत अच्छी तरीके से करते हैं जब करते हैं। तो दोनों ही बच्चे आराम से मतलब थोड़ी हेल्प करा ही देते हैं मेरी, तो मतलब दोनों ही बच्चे अच्छे हैं। और स्कूल जाने तो देखिए उस टाइम पे तो बिज़ी होते हैं, तो उस टाइम तो नहीं कर पाते कुछ भी, लेकिन हाँ ऐसे जब भी छुट्टी होती है तो हेल्प करा देते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करते। तो दोनों ही बच्चे मेरी हेल्प बहुत करते हैं। तो बस अभी यहाँ तक किचन में भी कर देते हैं, ज़रूरी नहीं रूम में ही करें, किचन वगैरह में भी कर देते हैं। तो बस अभी ये दोनों अपने काम में लगे हुए हैं और दोनों ही प्यार से काम कर रहे हैं आज, और देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। सच में दोनों को प्यार से काम करते हुए देखकर अच्छा लग रहा है, क्योंकि देखिए बच्चे हैं तो झगड़ते भी हैं, लड़ते भी हैं, लेकिन आज प्यार से काम चल रहा है दोनों का। और बस अभी दोनों अपने सफाई पे लगे हुए हैं, दोनों कह रहे थे कि हम दोनों ही आज साफ़ करेंगे कमरे को। तो देखिए अभी अपने दोनों भाई बहन अपने काम में कर रहे हैं, और वो श्रेयांशु गया लैपटॉप देने के लिए अपने डैडी को, वो काम कर रहे हैं, उन्हें बिल वगैरह बनाना था तो वो लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, और श्रेयांशु कराएगा फिर इसके बाद में यहाँ पर काम। और देखिए अभी का मौज मस्ती भी साथ में चल रही है, डांस भी कर रही है साथ में, और मस्ती के साथ ही काम करते हैं ये बच्चे, तो अच्छा लगता है। मतलब ऐसे नहीं है कि गुस्से में करें या मतलब ऐसे करें, तो अच्छा लगता है कि मस्ती भी करते हुए बच्चे काम करें तो अच्छा लगता है, साथ साथ मस्ती भी चलती रहे और काम भी चलता रहे। तो बस देखिए अभी दोनों के दोनों भाई बहन अपने काम पर ही लगे हुए हैं, और देखिए अब दोनों एक साथ ही मिलकर काम कर रहे हैं, तो दोनों के एक साथ ही मतलब रिजाई विजाई सब चीज़ एक साथ काम मतलब तह करके लगा रहे हैं, फोल्ड करके अच्छी तरीके से दोनों भाई बहन अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। तो अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है सच में, दोनों बच्चों को प्यार से काम करते हुए देखकर, और भगवान नज़र ना लगे बच्चों को दोनों को, तो नहीं बच्चे बहुत अच्छे हैं सच में। और बस अभी यहाँ पर ये दोनों के दोनों कर लेंगे अपने रूम को साफ, और मैं भी अपना काम कर लूँगी। मुझे भी नाश्ते में अभी खाना बनाना है, क्योंकि और सब्ज़ी बना दूँगी, क्योंकि ये तो जाएंगे ही, बच्चे तो नहीं जा रहे लेकिन ये तो जाएंगे, तो साथ साथ इनकी भी मैं सब्ज़ी बना दूँगी, और बस अभी साथ साथ ही ये लेकर चले जाएँगे। और बस उसके बाद ना आज तो मतलब ये तो मैंने कर लिया चलो सारा काम अच्छी तरीके से, दिन का तो हो गया, और शाम को बस जब ये आए और इन्होंने वो अगर मुझे बीच में बात बता देते तो मुझे शायद मैं पूरा दिन ना काम कर पाती, लेकिन अगर इन्होंने अच्छा हुआ शाम को ही खाना खाने के बाद में बात बताई, तो उसके बाद सच में मेरा पूरा अगला दिन भी पूरा दिन, ये फ्राइडे का की वीडियो है ये, और मतलब उसके बाद मुझसे सच में ही कुछ काम नहीं हुआ, मेरा इतनी बुरी हालत हो गई थी, मैं इतनी अपसेट हो गई थी, बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी, लेकिन मैं बता भी नहीं सकती सच में, मैं यूट्यूब पे शेयर भी नहीं कर सकती कि क्या बात है क्या नहीं है, और मजबूरी है मेरी, और बस मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी, बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी मैं,
फिर बस अपने काम पे लगी नेहा। अगले दिन तो मैं बिल्कुल सच में कुछ भी नहीं कर पाई, बस ये है कि खाना तो बनाना पड़ा मुझे और बस मजबूरी थी मेरी। और बच्चों देखिए कमरा बिल्कुल साफ़ कर दिया है, कितना साफ़ कर दिया है। और बस मैं आ गई हूँ अब किचन में, और किचन में बना रही हूँ नाश्ता। दो सब्ज़ी बना रही हूँ, आलू गोभी मटर की, और ये लेके जाएंगे क्योंकि टिफ़िन, तो बस इनके लिए आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बना दूँगी और ये लेकर टिफ़िन चले जाएंगे। तो बस उसके बाद हम अपना काम करते रहेंगे। तो बस मैं बता रही थी कि मतलब मुझे सच में इतनी अपसेट थी मैं कि अगला दिन भी मुझसे, यानी कि शनिवार का दिन भी मुझसे बिल्कुल भी कुछ भी काम नहीं हुआ। सिर्फ मैं खाने की तो बात नहीं करूँगी, खाना तो ज़रूर मैंने बनाया, वो भी ऐसे ही उल्टा सीधा, बस वो मुझसे नहीं हुआ कुछ भी काम। सच में मैं बहुत ज़्यादा ही अपसेट थी और मैं बता भी नहीं सकती कि मैं अपसेट क्यों थी। मैं इस बात का भी जिक्र नहीं कर सकती, मेरी मजबूरी है, मैं यूट्यूब पर अपनी शेयर नहीं करूँगी ये बातें, इसलिए मजबूरी है मेरी। लेकिन बस मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी, तो बस मैं अगले दिन क्या मैं 2-3 दिन से वीडियो नहीं बना पाई, संडे को भी नहीं बना पाई और सैटरडे को तो मैं वो ही हुआ। बस ये वीडियो फ्राइडे की है और फ्राइडे की वीडियो मैं डाल रही हूँ अब आपको। तो बस अभी मैंने सब्ज़ी डाल दी है और सारी मेरा तड़का वगैरह तैयार हो चुका था, नमक भी डाल दूँगी स्वाद अनुसार, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके बस एक सीटी लगा दूँगी और उसके बाद थोड़ा सा खुला पका लूँगी तो सब्ज़ी अच्छी बन जाएगी, खिली खिली सी बन जाती है। तो बस थोड़ा सा अभी एक ही सीटी लगा दूँगी मैं इसमें। तो चलिए जी, सब्ज़ी भी हमारी रेडी हो जाएगी और फिर मैं अपना काम करूँगी। तो अभी शाम का समय है और मैं बना रही हूँ पालक पनीर, और ये अभी तक आए नहीं थे, ये अभी बाहर ही थे। तो बस मैं अभी पालक पनीर बना रही थी, तो मैंने प्याज में भून लिया है और उसमें डाल दी है मैंने एक टमाटर, और टमाटर की प्यूरी डाल दी है मैंने, उसका पीस लिया था अच्छी तरीके से मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था। और बस इसको देखिए मैं भून रही हूँ और इसमें डाल दूँगी मसाले कुछ नहीं डालूँगी, बस हल्दी, हल्की सी हल्दी और मिर्ची और धनिया पाउडर, बस यही डालूँगी, इसके अलावा कोई मसाला नहीं डालूँगी। और देखिए सच में इतनी टेस्टी पालक पनीर बना था, बहुत टेस्टी। तो बस अभी देखिए मेरा मतलब मसाला पक चुका है और तेल भी सेपरेट हो चुका है, तेल आ चुका है ऊपर। और देखिए मैंने ये पालक जो था मैंने उबाल के अच्छी तरीके से पीस लिया था, तो इसमें डाल दिया है अब मैंने पालक को। और बस अभी पनीर भी साथ में रखा हुआ है, पनीर को मैंने फ्राई नहीं किया है, आप चाहे तो पनीर को फ्राई भी कर सकते हैं, मैंने पनीर को फ्राई नहीं किया है, मैं ऐसे ही डालूँगी। और बस अभी मेरा ये देखिए साग मतलब हो गया, अब नमक डाल दूँगी स्वाद अनुसार मैं, और बस अभी मेरा जब इसमें उबाल आ जाएगा तो मैं पनीर भी डाल दूँगी इसमें। तो देखिए मेरा उबाल आ चुका है अच्छी तरीके से, मतलब उबल चुका है पनीर मेरा, पक चुका है अच्छी तरीके से, 3-4 मिनट मैंने पकाया है। और उसके बाद अब मैं डाल दूँगी पनीर के जो मैंने क्यूब्स काटे हुए थे, तो ये मैं डाल दूँगी इसमें, और इसमें अच्छी तरीके से इसे भी 3-4 मिनट के लिए मैं पका लूँगी। तो अभी अच्छी तरीके से 3-4 मिनट पक जाने के बाद में मैं सबको खाना दे दूँगी। देखिए पक चुका है पालक, ये पनीर मेरा पालक पनीर बन चुका है पूरा अच्छी तरीके से, 3-4 मिनट में बनाया है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। बाय।